हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि है वसंत कुंज में। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जॉगिंग, क्रिकेट, रग्बी और फुटबॉल की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आप भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर 5 नेट सीमेंटेड नेट प्रैक्टिस के लिए पिचेस अवेलेबल हैं और साथ में पर्सनल कोच भी यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता है। फुटबॉल और रग्बी प्लेयर्स के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर हमेशा प्रैक्टिस की जाती है। मुझे यहाँ पर और भी कंट्रीज के लोग दिखे जो फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस वार्म अप कर रहे थे। सभी लोग वार्म अप कर रहे हैं अपना और अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। ये वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थोड़ा अलग है। यहाँ पर गेम्स की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जितनी उन दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, बट क्रिकेट और फुटबॉल पर और रग्बी पर यहाँ पर अच्छा फोकस है। मुझे ये वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थोड़ा अच्छा पीसफुल लगा, अच्छी ग्रीनरी है, कोयल की आवाज़ भी यहाँ पर आती रहती है और थोड़ा सा हल्का से थोड़ा पहाड़ी सा इलाका था, यहाँ पे भी अच्छी ग्रीनरी थी, अच्छे फूल हैं, अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मैनेजमेंट भी अच्छा है यहाँ पर। अगर आप जॉगिंग या पर्सनल एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर लोगों ने अपने साथ पर्सनल ट्रेनर भी रखा हुआ था, जिनसे एक पर्सनल ट्रेनर से मैंने पूछा तो उनकी जो फीस थी वो 8,000 पर मंथ थी। बोर्ड पर 1500 पर मंथ की फ़ी, कोचिंग फ़ी मेंशन की गई है, बट ये मुझे थोड़ा बोर्ड पुराना लगा। अभी लेटेस्ट या अपडेटेड फ़ी क्या है वो मुझे नहीं पता, वो आपको जाकर ही यहाँ पर पता करनी होगी। लेकिन वन टाइम के लिए ये मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत ही पीसफुल और अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। तो अगर आप क्रिकेट वगैरह नहीं भी खेलते हैं बट तब भी एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ पर आपको भी अच्छा लगेगा। ये लोग अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं गेम स्टार्ट होने से पहले, लैंग्वेज तो मुझे समझ
भी समझ आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये किस कंट्री की के लोग हैं। वॉचिंग दिस ब्लॉग, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और ये मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं, वो अगर मैं ज़रूर ट्राई करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।